Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are good. Now, today we meet again with our book that is Literary Journeys for Class 3 by Brainroot Publications. And so far we have completed 3 chapters of your book. और आज हम क्या करेंगे, आज हम इस बुक का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. वी विल बिगिन विद अ चैप्टर नंबर 4 दैट हैज़ द टाइटल द लेजी गार्डनर. ठीक है, आज हम एक ऐसे गार्डनर के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आलसी था. ही वो सो लेजी कि वो अपने पेड़ पौधों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था और उसके पेड़ पौधे मुरझा जाते थे. क्या उसके पेड़ पौधों का उसने ध्यान रखा, क्या उसको रियलाइज़ हुआ कि वो गलत काम कर रहा है? आइए हम स्टोरी में पढ़ते हैं. दिस लेसन इज़ अबाउट अ गार्डनर हु वॉज वेरी लेजी एंड डिडंट लुक आफ्टर हिज गार्डन एट ऑल. इस लेसन में हम एक गार्डनर के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत लेजी था. वो बिल्कुल अपने पेड़ पौधे फूलों का ध्यान नहीं रखता था. द फ्लावर्स एंड प्लांट्स इन द गार्डन विदर्ड. विदर्ड का मतलब मुरझा जाना. ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, उसकी लापरवाही की वजह से सारे पेड़ पौधे जो है मुरझा जाते थे. ठीक है, डिड ही स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ हिज गार्डन और डिड ही रिमेन लेजी. क्या उसने अपने गार्डन का ध्यान दिया या वो ऐसा ही आलसी ही रहा? लेट्स रीड द स्टोरी एंड नो अबाउट हिम. आइए पता करते हैं. वंस देयर वॉज अ गार्डनर हु वॉज वेरी लेजी. एक गार्डनर था, एक माली था, वो बहुत आलसी था. The flowers and the plants in the garden died because he did not look after them. जितने भी पेड़ पौधे या फूल पत्तियाँ थी सब मर जाते थे, सब मुरझा जाते थे क्योंकि वो उनका ध्यान नहीं रखता था. The gardener's master was very angry. वो जो गार्डन का मालिक था वो अपने इस माली से बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत गुस्सा था. How can I make this lazy gardener do some work? He said to his wife. और उन्होंने अपनी पत्नी से बोला, मैं इस आलसी माली से काम कैसे करवाऊं, कैसे समझाऊं इसे कि पेड़ पौधों को देखभाल की ज़रूरत है. द मास्टर हैड एन ओल्ड आंट हु हैड कम टू स्पेंड अ फ्यू डेज विद देम. और इस गार्डनर के जो मालिक थे उनके घर पे उनकी एक बड़ी सी जो बुज़ुर्ग लेडी यानी बड़ी सी आंटी विजिट करने आई थी. ठीक है, शी वॉज वेरी क्लेवर. अब ये जो ओल्ड लेडी थी बहुत ज़्यादा क्लेवर थी. She heard what the master said to his wife. She told him, I can make this lazy gardener work hard. अब जब उन्होंने सारी बातें सुनी तब उन्होंने बोला, मैं इस माली से काम करवा सकती हूँ, ये जितना भी आलस करता है ना इसका सारा आलस भाग जाएगा. She went into the garden and woke up the sleeping gardener. ये जो माली सो रहा है उसको उन्होंने जाकर जगाया, उठाया कि अरे उठो उठो जल्दी उठो. Would you like to be a rich man? She asked him. The gardener thought, I will not have to do any work if I become rich. So he quickly said, Yes, please. तो गार्डनर ने पूछा, क्या तुम रिच बनना चाहोगे, अमीर बनना चाहोगे? गार्डनर ने कुछ देर सोचा, अगर मैं अमीर बन जाऊँ तो फिर मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, मैं सारे दिन आराम कर सकता हूँ, कितना अच्छा होगा ना. द ओल्ड वुमन गेव हिम अ स्मॉल ब्लैक सीड. प्लांट दिस सीड इन द गार्डन एंड वाटर इट डेली, इट विल ग्रो क्विकली एंड मेक यू रिच. जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने उसको एक काला सा बीज दिया और बोला, इसको गार्डन में बो दो, इसको बोने के बाद इसको रोज़ इसकी देखभाल करना, इसे रोज़ पानी देना, इसकी देखभाल करना और बहुत जल्दी इसमें से पेड़ निकलेगा और तुम जो है अमीर बन जाओगे. दैट डे द गार्डनर प्लांटेड द सीड इन द गार्डन एंड वाटर्ड इट. गार्डनर ने ऐसा ही किया, उसने वो बीज लिया, उसको गार्डन में बोया, बागीचे में लगाया और उसको पानी देने लगा. After a few days, he came to look at it. There was a little plant growing from the seed. At the top, there was a little white flower. अब कुछ दिनों बाद जो माली है उसको चेक करने आया. उसने देखा कि एक छोटा सा पौधा निकला है और सबसे ऊपर एक छोटा सा सफ़ेद सा सुंदर सा फूल है. This is wonderful, said the gardener. But how will this make me rich? Perhaps I should pluck the flower. तो गार्डनर को बहुत अच्छा लगा. उसने कहा, अरे हाँ, वो बूढ़ी अम्मा ने जो जो कहा था वो बिल्कुल सच हो रहा है. वो जो बूढ़ी औरत थी वो सही बोल रही थी.
इसमें से पेड़ निकल रहा है, इसका मतलब मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। लेकिन मैं अमीर कैसे बनूंगा? एक काम करता हूँ, ये सफ़ेद फूल तोड़ लेता हूँ, शायद ये मुझे रिच होने में मदद करे। उसने हाथ आगे बढ़ाया और फूल तोड़ने ही वाला था। As soon as he put out his hand to do so, he heard a voice say, "Don't you dare pluck me." जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तो एकदम से आवाज़ आई, खबरदार जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया, खबरदार मुझे अगर तोड़ा तो। द गार्डनर वॉज सरप्राइज्ड, ही लुक्ड केयरफुली एंड सॉ दैट द फ्लावर वॉज रियली अ टाइनी लिटिल मैन इन वाइट क्लोथ्स। द लिटिल मैन सेड, कम ऑन इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, हरी अप। तो गार्डनर झुका और उसने ध्यान से देखा, अरे ये तो वो फूल बोल रहा है। एक्चुअली वो फूल था ही नहीं, वो फूल की शेप में छोटा सा एक आदमी था जो कि माली से बात कर रहा है। और उस छोटे से आदमी ने क्या बोला, रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हें बहुत सारा काम करना है अभी, चलो चलो जल्दी करो। द लिटिल मैन मेड द गार्डनर वाटर ऑल द फ्लावर प्लांट्स इन द गार्डन, ही मेड हिम स्वीप अप द ड्राई लीव्स। अब वो जो छोटा सा आदमी था उसने माली से सारे गार्डन के पौधों पर बागीचे में जो है पानी डलवाया। फिर उसने बोला, जितने भी सूखे पत्ते हैं इन सबको भी साफ़ करो, कुछ भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, पूरी बागीचे को साफ़ कर दो। ही मेड हिम ट्रिम द प्लांट्स, बाय द इवनिंग द गार्डन लुक्ड नाइस एंड टाइडी। उसने गार्डन की सफाई करवाई, पेड़ पौधों को शेप में कट करने के लिए बोला। शाम तक गार्डन बिल्कुल साफ़ सुथरा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बट द गार्डनर वॉज वेरी टायर्ड, ही वेंट स्ट्रेट टू द बेड एंड फेल अस्लीप। अब गार्डनर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, थक गया, दुखी हो गया। उसने कभी इतना काम नहीं किया था, वो चुपचाप अपने घर गया और बेड पर सो गया। The next morning, the little man woke him up early. Come on, hurry up. There is a lot of work to be done in the garden. The gardener was very angry. This silt will never make me rich, he thought. It is making me work too hard. I shall soon grow thin and die. अब अगले दिन सुबह वो छोटा सा आदमी उसके पास गया और उसे उठाने लगा। अरे अरे भैया उठो उठो, तुम ऐसे सो नहीं सकते हो, जल्दी उठो, दिन निकल गया है, बहुत सारा काम करना है, जल्दी उठो, गार्डन में बहुत सारा काम है। अब गार्डनर जागा और उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, ना तो मैं अमीर बनूंगा, ये तो मुझे बहुत काम करवा रहा है, ऐसे तो मैं काम करते करते थक जाऊंगा, पतला हो जाऊंगा और एक दिन मर जाऊंगा। बट दैट डे द वर्क डिड नॉट सीम सो हार्ड। द गार्डनर फाउंड हिमसेल्फ एंजॉइंग हिज वर्क, ही फाउंड द गार्डन अ लवली प्लेस टू वर्क इन। लेकिन उस दिन गार्डनर को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि पहले दिन तो ऑलरेडी सफाई वो कर ही चुका था, उसे थोड़ा बहुत काम करना पड़ा और उसको काफ़ी मज़ा आने लगा काम करने में। द गार्डनर नाउ बिगैन टू टेक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स एंड फ्लावर्स। सून द गार्डन लुक ब्यूटिफुल एंड मेनी पीपल केम टू लुक एट इट। वट अ गुड गार्डनर यू हैव, दे सेड टू द मास्टर। अब कई लोग गार्डन को विजिट करने आते और सब लोग तारीफ करने लगे। उसके मालिक को कहने लगे, अरे आपका माली तो बहुत अच्छा है, कितने अच्छे तरीके से आपके बगीचे को साफ सुथरा और सुंदर बना के रखा हुआ है। इन शॉर्ट टाइम द गार्डनर बिकेम फेमस, हिज गार्डन्स वर ऑलवेज वेरी ब्यूटिफुल। अ फ्यू ईयर्स लेटर ही गॉट अ जॉब ऑफ लुकिंग आफ्टर द किंग्स गार्डन। सो द क्लेवर आंट वॉज राइट, द सीड हैड मेड द गार्डनर रिच, इट हैज़ ऑल्सो मेड हिम हैप्पी। अब इस तरह से जब गार्डनर ने अपनी तारीफ सुनी तो वो अपने काम को और अच्छे से करने लगा और दूर दूर से लोग जो है उसके गार्डन यानी बाग को देखने आते कि कितनी खूबसूरती से उसने बागीचे को सजाया हुआ है। इस तरह से धीरे धीरे जो वो माली है हर जगह फेमस हो गया, वो गार्डनर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और दूर दूर तक उसकी बात फैल गई। वो इतना फेमस हो गया कि कुछ सालों बाद राजा ने अपने शाही बागीचे के लिए उसको नौकरी दे दी। उन्होंने अपनी शाही बगीचे की जिम्मेदारी उस गार्डनर को सौंप दी। वो जो आंट थी यानी जो बूढ़ी औरत थी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। वो गार्डनर जब राजा का यहाँ काम करने लगा, पॉपुलर तो हुआ ही, साथ में उसको बहुत सारा पैसा भी मिला एंड ही बिकेम रिच। ओके, एंड दिस ऑल्सो मेड हिम हैप्पी। अब वो खुश भी रहने लगा, काम भी करने लगा और रिच भी हो गया।
तो है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसीलिए बच्चों हमें भी कभी आलस नहीं करना चाहिए, आलस बुरी बला है। वी शुड नेवर बी लेजी, वी शुड ऑलवेज डू द वर्क ऑन टाइम। ओके, नाउ लेट्स डू द ग्लॉसरी। लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर ऑफ समथिंग। प्लांटेड मीन्स टू पुट द सीड्स इनसाइड द सॉयल एंड टेक केयर ऑफ देम बाय वाटरिंग देम, उनको पानी देना, उनकी देखभाल करना। प्लक का मतलब है तोड़ना, टू पुल समथिंग और टू रिमूव समथिंग फ्रॉम सम पार्ट। ट्रिम मीन्स टू कट द पार्ट्स एंड गिव देम शेप। क्विकली मीन्स इन अ शॉर्ट टाइम, जल्दी जल्दी कुछ ही समय में। नेग्लिजेंस मीन्स नॉट बीइंग केयरफुल एंड लैक ऑफ केयर, यानी केयरफुल ना होना और किसी की ठीक से केयर ना करना। ऑलराइट चिल्ड्रन, लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड, लेट्स डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं, आइए। द फर्स्ट आंसर इज द गार्डनर्स वर वेरी एक्टिव, लेजी, हेल्दी एंड टॉल। ही वॉज वेरी लेजी, वो बहुत आलसी था, सो लेजी इज द राइट आंसर। सेकेंड, द गार्डनर वर वेरी एंग्री, मास्टर वॉज एंग्री, डॉक्टर वॉज एंग्री, टेलर वॉज एंग्री, नेबर वॉज एंग्री। हिज मास्टर, उसका मालिक बहुत गुस्सा करता था। थर्ड, द आंट वॉज वेरी वाइज, क्रूएल, क्लेवर, स्वीट। द आंट वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत क्लेवर थी। फोर्थ, वॉट वॉज द कलर ऑफ द सीड, ब्राउन, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। इट वॉज अ ब्लैक कलर्ड सीड, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, वी हैव टू फिल दीज सेंटेंसेज, हमें इनको कम्प्लीट करना है। और हमारे लिए एक हेल्प बॉक्स दिया है, इस हेल्प बॉक्स में सारे वर्ड्स हैं, हमें इन वर्ड्स को यूज़ करके इन सेंटेंसेस को कम्प्लीट करना है। द मास्टर हैड एन ओल्ड आंट, मास्टर की एक ओल्ड आंटी थी। सेकेंड, द गार्डनर डैश द सीड इन द गार्डन एंड डैश इट। द गार्डनर प्लांटेड, उसने बीज को बो दिया, प्लांटेड, और फिर उस पर पानी डाला, यानी वॉटर्ड इट, है ना, वॉटर्ड इट। नेक्स्ट, थर्ड, एन ओल्ड आंट वेंट इन टू द डैश एंड वोक अप द डैश गार्डनर। ठीक है, वो जो ओल्ड मैन था उसने गार्डनर को उठाया और जो है लेजी गार्डनर था जो सो रहा था उसको उठा दिया। सो एन ओल्ड आंट वेंट इन टू द गार्डन एंड वोक अप द स्लीपिंग गार्डनर। ठीक है, स्लीपिंग जो सो रहा था उसको जगा दिया कि उठो उठो सुबह हो गई है। फोर्थ, इन द इवनिंग द गार्डन लुक्ड नीट एंड टाइडी। ओके, नाइस एंड टाइडी, अच्छा लगने लगा गार्डन क्योंकि साफ हो गया था। फिफ्थ वन, द गार्डनर बिकेम फेमस इन अ शॉर्ट टाइम। गार्डनर जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, मशहूर हो गया, राइट, सब लोग उसके बारे में जानने लगे। नाउ एक्सरसाइज सी, दैट इज ट्रू और फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। द गार्डनर वॉज वेरी एक्टिव एंड इंटेलिजेंट, नो दिस इज फॉल्स, वो तो बहुत ज़्यादा आलसी था, ही वॉज वेरी लेजी। सेकेंड, द गार्डनर सॉ अ लिटिल प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द सीड, येस दिस इज ट्रू। थर्ड, द गार्डनर वॉज वेरी टायर्ड एंड वेंट स्ट्रेट टू द बेड, येस दिस इज ट्रू। फोर्थ, द गार्डनर प्लांटेड द गिवन सीड्स, हाँ उसने बो दिया था बीज। एंड फिफ्थ, द सीड मेड द गार्डनर पुअर, नो दिस इज फॉल्स, सीड की वजह से धीरे धीरे गार्डनर काम सीखा और फिर वो फेमस हो गया, उसको राजा ने अपने शाही बगीचे की काम दे दिया। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनको आप खुद करेंगे लेकिन आई विल बी हेल्पिंग यू आउट, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। व्हाई डिड द प्लांट्स एंड फ्लावर्स डाई, द प्लांट्स एंड फ्लावर डाइड बिकॉज द गार्डनर वॉज वेरी लेजी एंड ही डिड नॉट टेक केयर ऑफ देम। What did an old woman give the lazy gardener? The old woman gave a black seed to the lazy gardener. What did the old woman ask the gardener? The old woman asked the gardener, "Do you want to be rich? क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? Why was the gardener very tired? The gardener was very tired because the little man made him do work throughout the day.
Why did the gardener begin enjoying his work on the second day? He started his enjoying his work on the second day because the garden looked very neat and tidy, and moreover, it was not so hard. The hard work was already done on the first day. The next day, he did not have to do so much of hard work. The work seemed to be easy. Sixth one, what did the gardener get in a few days later? Was he happy to get the new job? The gardener got the job at King's Garden after a few days. Yes, he was very happy, and now he was no more lazy. Okay, he became very famous and he was very happy. So children, I hope that you have understood how to do these questions. So you have to do them on your own in your notebook. With this, we finish with today's session. I will take your leave. But do remember, stay tuned for the new videos, because I would be back with another interesting chapter of your book, that is Literary Journeys by Brainwood Publications, very soon. So see you in the next video. Till then, bye bye and take care.